हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु भाटिया चटपटी तारा का जायका चैनल में आज शादी वाली गोभी आलू की मसालेदार सब्जी के साथ स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई थी गोभी आलू और मटर की सब्जी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, और या फिर बोल लो कि जैसी शादियों में बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही। वो लोग तो गोभी को और आलू को फ्राई करके बनाते हैं, मेरे में फ़र्क इतना है कि मैंने ना गोभी को फ्राई किया और ना ही आलू को फ्राई किया है, और फिर भी मैंने ये रेस्टोरेंट स्टाइल की या शादी के स्टाइल में जो मिलती है ना गोभी आलू की सब्ज़ी, बिल्कुल वैसी बनाई है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर करते हुए ना हम इसकी रेसिपी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। शादी वाली जैसी गोभी बनाने के लिए ना हमें थोड़े गोभी के टुकड़े बड़े बड़े काटने होंगे फ्रेंड्स, आलू के भी बड़े बड़े पीसेस काटने हैं। हम वैसे ही सब्जी बना रहे हैं जैसे रेस्टोरेंट में बनती है, शादी में बनती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने दो बड़े प्याज लिए, एक बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है, दो लहसुन की कलियाँ ली और दो बड़े टमाटर लिए हैं, और ये मैंने मटर भी इसमें मिक्स कर दिए हैं, गोभी ये मैंने काट के रख ली थी, ये टमाटर के मैंने पीसेस कर लिए हैं, अदरक और लहसुन को भी मैंने बारीक काट लिए और बारीक प्याज काट लिए हैं। अभी रेसिपी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक मोटे तले की कढ़ाई में मैं ये सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हो। ये तेल यूज़ करने से सब्ज़ी का स्वाद ही दोगुना से चौगुना हो जाता है फ्रेंड्स, और बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम शादी वाली सब्जी का टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले ना मैंने डाल देना है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल शादी में जैसे गोभी आलू बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही स्वाद चाहते हैं। तो मैंने ये दो तेज़पत्ते डाले हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और इसके बाद हम इसमें ना जो हमने लहसुन काट के रखा है ना बारीक, उसको हम इसमें पहले ऐड करेंगे। आप चाहो तो इन गार्लिक और जिंजर की पेस्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इनको काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, बारीक काट लिया फ्रेंड्स। इसको हमने पहले फ्राई कर लेना है, जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें अदरक का जो हमने बारीक काट के डाला था वो इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने जो गोभी और आलू बनाए हैं ना, मैंने बगैर फ्राई करे बनाए हैं, क्योंकि शादी वाले जो भी बनाते हैं हलवाई, वो अपनी स्टाइल में बनाते हैं और गोभी और आलू को फ्राई करते हैं फ्रेंड्स, तब वो गोभी आलू बिल्कुल शादी वाले स्टाइल का बनता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा बनेगा, आप विश्वास करिए, मेरी रेसिपी को फॉलो करिए और इसको ऐसे ही बनाइए। अदरक भी मैंने मिक्स कर दिया फ्रेंड्स, और ये अब मैं इस टाइम पर प्याज मिक्स कर दूँगी। अब इसको ना हमें हल्का हल्का मीडियम आंच पे हमें इसको ना फ्राई करना है फ्रेंड्स, और ये मैंने दो प्याज लिए थे जिसको मैंने बारीक काट लिया। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा लगेगा हलवाई वाली स्टाइल में गोभी बनाई है फ्रेंड्स मैंने आज। ये देखिए पंजाबी स्टाइल की गोभी बनी है, ये मैंने प्याज को फ्राई कर लिया फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है, अंत तक जरूर देखिए। ये जो टमाटर मैंने काटे थे ना, इस टाइम पे मैंने दोनों टमाटर इसमें मिक्स कर दिए हैं, और देखो मैंने कोई गोभी या आलू को फ्राई नहीं किया फ्रेंड्स अभी तक, ये बात नोट करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें क्या करेंगे कि मसाले डालेंगे, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नमक हम खाते हैं वो डालेंगे, और मिर्च डालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अभी ये मिक्स करके हमें इसमें ना थोड़ा सा पानी भी डाल देना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये शादी वाली स्टाइल की गोभी आलू बना रहे हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको पंजाबी स्टाइल की भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, पंजाबियों के घर में भी इस तरह की गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनती है। ये देखिए, वैसे तो मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसी स्टाइल की बनाने की कोशिश करी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना पानी हमें डाल देना है थोड़ा सा, ताकि ये टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए प्याज के साथ, और ये देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे ऐसे ही। अब हम इसको ढक के रख देंगे फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए। अब ये देखिए 2 मिनट बाद मैं उठा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर गल गए हैं, मसाला परफेक्ट हो गया है। अब इस टाइम पर जो हमने गोभी काट के रखी थी ना वो मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। मैंने कोई गोभी को फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, ये तो भी वैसी ही बनेगी, सेम वैसी बनेगी। इसमें ऑयल बहुत कम है फ्रेंड्स, बहुत कम ऑयल मैंने यूज़ करके वैसी सब्जी बना रही हूँ जैसे कि शादी में बनती है, बिल्कुल सेम वैसे ही खुशबू आएगी फ्रेंड्स, और वैसे ही लगेगी। देखिए ये हमें थोड़ी सी गोभी बड़ी बड़ी काटनी है इसमें, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल की या फिर बोल लीजिए कि शादी वाली स्टाइल की गोभी आलू मटर बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू मटर भी मिक्स कर दिए हैं, और अभी हमें इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा
अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। और हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, करछी चलाना, देखिए हमें इस तरीके से मिक्स करना है कि हमारी गोभी बिल्कुल ना टूटे। अगर टूट जाएगी तो फिर वो स्वाद नहीं आएगा और वो मज़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं लगेगी कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल की है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, इस टाइम पे मैंने इसमें पानी एक गिलास भर के ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए बढ़िया गोभी बनेगी हमारी। ये पानी मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि हमने बड़े बड़े पीसेस काटे हैं। सिंपल गोभी बनाती हूँ तो मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, अभी मैंने बड़े बड़े पीसेस वाली बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक से सवा गिलास पानी डाल दिया है और इसको ढाँक के रख दिया है फ्रेंड्स मीडियम आँच पर। ओके, तो ये मैं उठा के देख रही हूँ फ्रेंड्स 5 मिनट बाद। ये देखिए क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल शादियों वाली जैसी खुशबू आती है ना। गोभी आलू मटर की सब्जी हम मान लेते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है और घर की स्वाद से अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट। वैसे ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप बना के ज़रूर देखिए, आप फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने कैसी बनाई है। अभी मैंने इसको थोड़ी देर ढक दिया है कि 5 मिनट बाद मैं फिर ढक्कन हटा रही हूँ फ्रेंड्स। छोटा सा वीडियो बनाया है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए अभी भी ये गोभी देखिए कितनी बढ़िया एक एक पीस बन रही है। इसको हिलाते समय में बिल्कुल ध्यान रखना है कि गोभी बिल्कुल ना टूटे, अगर टूट जाएगी तो फिर वो स्वाद नहीं रहेगा, बस ये इतना हमें इसमें ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स गोभी, अभी गोभी इतनी अच्छी पकी नहीं है, ये थोड़ी सी कच्ची है, ये देखिए गल गई है ना। ये देखिए हमें इसके लिए ना फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फ्राई करने से ज़्यादा ऑयली बनती है। देखिए परफेक्ट हमारी गोभी तैयार हो गई, सारा पानी हमें सूख गया है। हमें सूखी सूखी बनानी, जैसे हमें शादियों में मिलती है ना सूखी गोभी आलू मटर की सब्जी, उनकी तो सब्जी अलग बनती है, तो बिल्कुल वैसी बनी है फ्रेंड्स। बिल्कुल खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स आलू, मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए कितना अच्छा गल गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ना आलू या गोभी को फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो रही गोभी, तो ये कितनी बढ़िया बनी है देखिए फ्रेंड्स। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बोल सकते हो या फिर शादियों वाला बोल सकते हो। अब ऊपर से ना हम इसमें क्या करेंगे, गरम मसाले का 1 चम्मच भर के डालेंगे फ्रेंड्स। गरम मसाला तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाला है, इससे इसकी खुशबू में बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ में थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सेम वैसी सब्जी बनी है और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ वैसी सब्जी आपने बनाई और आपको कैसी लगी। अभी मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल शादी वाली जैसी गोभी होती है ना, बिल्कुल वैसी हलवाई स्टाइल की गोभी बनी है फ्रेंड्स। और हलवाई स्टाइल की गोभी बनी हो और फुलका हो साथ में, तो चावल आवल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती फ्रेंड्स। ये देखिए बढ़िया गोभी आती सब्जी बन गई। हम लोग यही गोभी लेने के लिए वहाँ पर लाइन लगाते कि नहीं लगाते शादी में। देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल की गोभी बनी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी मेरी ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।